हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु महेंद्र सर फ्रॉम आयुषी इंस्टीट्यूट। वंस अगेन यू आर वेलकम इन अ वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि आपके लिए हमने एक प्रोनाउंसिएशन का सीरीज स्टार्ट किया है, उस सीरीज में आज हम आपके लिए लेटर एम कहां पर साइलेंट जाता है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी आर गोइंग टू गिव यू। लेकिन इसके पहले के जो लेटर है, जैसे कि अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल कहाँ पर साइलेंट जा रहा है, एन कहाँ पर साइलेंट जाता है, सारे वीडियो हमने आपके लिए बनाए हैं। और आपको अगर उसकी पढ़ाई करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप घर बैठे बहुत अच्छे से इंग्लिश को पढ़ पाए। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि इंग्लिश सीखने से पहले हमारे जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो बहुत ठीक होना चाहिए, बहुत अच्छे से वर्ड्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि 26 लेटर में कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वो साइलेंट जाते हैं, हमें नहीं पता चलता ये क्यों साइलेंट है। जैसा कि एक वर्ड है टॉक, टी ए एल के, अब देखिए इसके अंदर एल है लेकिन हम इसको एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम टॉक बोल रहे हैं। जैसे कि वॉक, जैसे कि डब्ल्यू ए एल के वॉक, इसके अंदर एल दिया तो गया है लेकिन हम पढ़ते वक्त एल को पढ़ते नहीं है, ये क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी वॉन्ट टू गिव यू। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेटर एम लेकर आए। लेटर एम सिर्फ एक ही रूल है जहां पर लेटर एम साइलेंट जाता है, वो कौन सा रूल है, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो टुडे। स्टूडेंट्स, जब भी कोई स्पेलिंग का शुरुआत, जब भी कोई वर्ड की शुरुआत एम और एन से होती है, जब भी कोई भी स्पेलिंग हो एम ऑन एर से उस स्पेलिंग का जो शुरुआत होता है वहां पर आपको एम को साइलेंट रखना है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज नीम, अब ध्यान से देखिए एम एन ई एम ई नीम क्या होता है इसका मतलब, याददाश्त, स्मृति, नीम, एम एन ई एम ई, एम के बाद एन दिया गया लेकिन म को हमने नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट नीम। सेकेंड वर्ड है निमिक, सेकेंड वर्ड है निमिक, स्पेलिंग देखिए एम एन ई एम आई सी, यहां पर भी हमने एम को पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट निमिक, उसका मतलब होता है स्मृति या शक्ति। निमोनिक्स, निमोनिक्स का स्पेलिंग देखिए एम एन ई एम ओ एम आई सी एस, निमोनिक्स, इसमें भी हमने एम को पढ़ा नहीं है। देन निमोनिकल एंड निमोटेक्निक, निमोनिकल एंड निमोटेक्निक, एक बार फिर से पांचों शब्दों को देखिए, अब ध्यान से शुरुआत है एम एन लेकिन हमने एम को प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है, एम को हमने साइलेंट रखा है। एक बार फिर से सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, नीम, निमिक, निमोनिक्स, निमोनिकल एंड निमोटेक्निक। स्टूडेंट्स, इसी तरह की इंग्लिश को अगर आप सीखना चाहते हो और अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हो, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप हमारा कोर्स जो सो बहुत ही इजी मेथड से हमने वो कोर्स को बनाया है, तो उसके अंदर हमने 75 लेसन आपके लिए रखे हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा बायोडाटा हमने वहां पर रखा हुआ है कि किस तरह से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप फर्स्ट कमेंट में हमारी चैनल के बारे में सारी जानकारी आप ले सकते हो। स्टूडेंट्स, इसी तरह की इंग्लिश की लाइनों को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी कोई हम आपके लिए नया वीडियो बनाए तब आपको उसका नोटिस मिले और आप घर बैठे ऐसे ही अच्छे से इंग्लिश को पढ़ पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।